मोतिहारी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी कर 8 लाख रुपए के जाली नोट बरामद किए हैं। पुलिस ने 3 तस्करों समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर जाली नोट छापने वाली मशीन और एक पिस्तल बरामद की है। गिरफ्तार तस्करों की निशानेदेही पर पुलिस ने पीपरा थाना बाजार में छापामारी कर नोट छापने का खुलासा किया है। यह लोग बाजार में जाली नोट छापने का काम किया करते थे। आइए जानते हैं आखिर यह पूरा मामला क्या है। पुलिस ने शनिवार को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में 8 लाख रुपए के नकली नोटों को जब्त करने का दावा करते हुए इस सिलसिले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस प्रमुख कुमार आशीष ने संवाददाताओं को बताया कि जाली नोटों का रैकेट छतौनी थाना क्षेत्र के एक साइबर कैफे से संचालित किया जाता था। आरोपी व्यक्तियों ने पूछताछ के दौरान खुलासा किया कि उन्होंने एक ऑनलाइन वीडियो साझा करने और सोशल मीडिया मंच से नकली नोटों को प्रिंट करने की तकनीक सीखी थी। पुलिस ने बताया गिरफ्तार किए गए लोगों में संदीप सहानी, सरगना राजेश कुमार जो साइबर कैफे चलाता है, उसके सहयोगी दीपक और सुबोध जो पड़ोसी जिले शिवहर से हैं, मामले में शामिल हैं। जब्त किए गए नोट 500 रुपए मूल्य के थे। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने 5 लाख रुपए के नकली नोटों के लिए 2 लाख रुपए वसूलते हुए अपने नकली नोटों को बेचा था। पुलिस ने कहा आरोपियों ने दावा किया कि हाल ही में 1.5 लाख रुपए से ज्यादा नकली नोटों को बाजार में उतारा हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि उच्च अधिकारियों को रैकेट से अवगत करा दिया गया है ताकि बाजार में चल रहे नकली नोटों का पता लगाया जा सके। आशीष ने कहा कि ये ऐसे वीडियो को हटाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अधिकारियों के साथ बात की जाएगी जो इस तरह के कुकमरों को बढ़ावा देते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ साइट। धन्यवाद।